नमस्कार, मैं हूं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। अमूमन जब मैं कोई इंटरव्यू करता हूं तो बगल में कौन है ये बताता हूं, लेकिन गोरखपुर में बैठ के मेरे बगल में जो शख्सियत इस वक्त मौजूद है उनका मैं परिचय दूं तो ये बेमानी मात्र होगी। लेकिन औपचारिकता के लिए आपको बता देता हूं, मेरे साथ इस वक्त मोमेंटम बेतिहाता के डायरेक्टर मिस्टर अरविंद त्रिपाठी जी हैं और ऑल्सो इज चेयरमैन ऑफ वर्टेक्स ग्लोबल स्कूल, और उसके साथ ही मेरे साथ इस वक्त वर्टेक्स ग्लोबल स्कूल के डायरेक्टर मिस्टर शैलेंद्र त्रिपाठी जी भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इनसाइड भारत टीवी पे। धन्यवाद सर, आप दोनों लोग का सर। धन्यवाद सर। वर्टेक्स ग्लोबल स्कूल, इस वक्त हम लोग सरदार नगर में मौजूद हैं और काफी बेहतरीन, जब मैं यहाँ पे आया और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखा तो मुझे बहुत पसंद आया। सर, इसके इतिहास के बारे में बताइए, क्यों मन किया कि वर्टेक्स ग्लोबल स्कूल को शुरू किया जाए? विकास जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि गोरखपुर में 2004 में, आज से करीब 17 साल पहले, मैंने जो है मोमेंटम कोचिंग की शुरुआत की थी। मैं IIT BHU से पास आउट हुआ और उसके बाद मैंने यहाँ पर आके मोमेंटम कोचिंग की शुरुआत की 2004 में। सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि पूर्वांचल का जो यहाँ का जो स्टूडेंट है, यहाँ का जो छात्र है, यहाँ का जो स्टूडेंट है और उसके अंदर जो प्रतिभा है, उसको हमें राष्ट्रीय स्तर पर और नेशनल लेवल पर उभारने की जरूरत है। उस समय उतनी अच्छी बहुत ऑप्शंस नहीं थे बच्चों के पास, लेकिन 2004 में जब से हमने मोमेंटम की शुरुआत की है तो यहाँ के पेरेंट्स, अभिभावक और बच्चे सभी जानते हैं कि वो मोमेंटम आज तक रुका नहीं है। आज तक मोमेंटम जहां था बेतिहाता चौक पर, आज भी वही है और उसी लगन के साथ, उसी जील के साथ और उसी मेहनत के साथ हम लोग बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में। इसी दौरान बीच में अराउंड 2015 में मुझे ऐसा लगा, जो मेरा अनुभव रहा इतने सालों का बच्चों को पढ़ाने का, तो उसी दौरान मुझे लगा कि क्यों ना हमें स्कूल सेगमेंट में भी जाना चाहिए और बच्चों के लिए एक ऐसे स्कूल का निर्माण करना चाहिए, तैयार करना चाहिए, जिसमें बच्चे स्कूल के साथ साथ अपने करियर को भी संवार सकें, अपने करियर ऑप्शंस को भी तलाश सकें कि वो क्या क्या कर सकते हैं। तो 2015 में मैंने इस लोकेशन को सेलेक्ट किया, इस पूर्वांचल की इस जमीन को जो चौरी चौरा के पास है, सरदार नगर जहाँ पर उपस्थित हैं। ये देवरिया रोड पर आप आते हैं तो तरकुल्हा देवी मंदिर के पास है। तो यहाँ मैंने देखा कि एक ऐसा स्कूल हम तैयार करें जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऑब्वियसली अच्छा हो। आपने देखा ही कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वर्ल्ड क्लास है। और इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने से बच्चों को तरह तरह के कार्टून से रिलेटेड जो यहाँ पर चित्रकारी हमने कराई है, खास करके प्लेवे के बच्चों के लिए, और इसके अलावा हमने जो यहाँ लैब्स तैयार की हैं, लाइब्रेरी तैयार की है, तो बच्चों को और पेरेंट्स को एक अच्छा यहाँ पर अनुभव मिल रहा है पिछले 5-6 सालों से। और मुझे लगा कि मैं उसमें सक्सेसफुल हुआ जो मैंने सोचा था, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक अच्छा रिस्पांस मिला, पेरेंट्स की पूरी भागीदारी रहती है। और देखिए, एक हमारा मोटो है वर्टेक्स ग्लोबल स्कूल का, हमारा एक मोटो है कि पेरेंट्स का और स्कूल का जो सिंक्रोनाइजेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई में जब तक पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तब तक उनको हम बहुत अच्छे लेवल पर नहीं ले जा पाएंगे। एंड दैट इज द मेन मोटो ऑफ दिस वर्टेक्स ग्लोबल स्कूल दैट वी स्टार्टेड इन 2015। एंड वी आर प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स नॉट ओनली फॉर देयर स्कूल एग्जामिनेशंस, फॉर देयर बोर्ड एग्जामिनेशंस, साइमल्टेनियसली वी आर प्रिपेयरिंग देम फॉर द कम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो। लाइक इफ यू टॉक अबाउट दिस इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन लाइक JEE मेन एंड एडवांस्ड, योर मेडिकल एग्जामिनेशन विच इज नीट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, एंड साइमल्टेनियसली वी आर प्रिपेयरिंग कॉमर्स स्टूडेंट्स ऑल्सो फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक CA। सो दैट इज द मेन मोटो ऑफ दिस वर्टेक्स ग्लोबल स्कूल। थैंक यू। और शायद इसी वजह से मतलब कि बच्चे CA की तरफ भी जाएं और IIT JEE मेंस की तरफ भी जाएं, तो यहाँ पे 11th 12th मतलब 9 टू 12th दोनों स्ट्रीम है, कॉमर्स भी है, कॉमर्स भी है और साइंस स्ट्रीम भी है। और देखिए क्लास, मैं कहूंगा कि यहाँ पर आप राइट फ्रॉम प्ले ग्रुप, मतलब जब बच्चा करीब करीब आपका 2.5 और 3 इयर्स का होता है, से लेकर क्लास 12 तक की पूरी व्यवस्था है। प्ले स्कूल हमारा जो है वन ऑफ द बेस्ट है, मैं कह सकता हूँ कॉन्फिडेंटली कि प्ले स्कूल हमारा वन ऑफ द बेस्ट है बच्चों के लिए। जिस तरह से हमने आर्ट एंड क्राफ्ट स्टूडियो बनाया है, म्यूजिक स्टूडियो बनाया है, बच्चों के लिए एक्टिविटी और कॉन्सेप्ट सेंटर हमने तैयार किया है, और साथ में उनके जो क्लासरूम्स को हमने डेकोरेट किया है, चाहे वो बॉल रूम हो, डॉल रूम हो, किचन से रिलेटेड चीजें हो, बहुत सारी चीजें जो छोटे बच्चों को हमें सिखानी होती हैं,
तो वो कहते ना कि लर्निंग बाई प्लेइंग, मतलब बच्चे जो है एक्टिविटी करते करते यहाँ सीखते हैं। तो ये तो बात हुई हमारे प्ले स्कूल की। फिर राइट फ्रॉम ग्रेड वन हम बच्चों को ओलंपियाड, स्कूल एग्जाम के साथ साथ ओलंपियाड एग्जाम के लिए भी तैयार करते हैं। बहुत सारे ओलंपियाड एग्जाम हैं, चाहे वो आप SOF ओलंपियाड्स की बात करें, सिल्वर जोन ओलंपियाड्स की बात करें, ये हम बच्चों को तैयार करते हैं साइमल्टेनियसली स्कूल एग्जाम के साथ साथ। उसके लिए अलग से उनको हम तैयारी कराते हैं, अलग से उनको मटीरियल प्रोवाइड करते हैं। 6 onwards हम बच्चों को एक टच देना शुरू करते हैं कि बच्चा जो है कम्पिटिटिव टच उसको देना शुरू करते हैं, एक ओरिएंटेशन की तरह आप ले सकते हैं उसको, ताकि बच्चा जब आपका 9th में पहुंचता है तो वो खुद इतना होशियार बन चुका हो कि वो खुद डिसाइड कर सके कि उसको कॉमर्स स्ट्रीम में जाना है या उसको इंजीनियरिंग स्ट्रीम में जाना है या उसको ह्यूमैनिटीज में जाना है, ताकि बच्चे के ऊपर पेरेंट्स का ये एक तरह कह लीजिए प्रेशर ना हो कि बेटा आपको इंजीनियरिंग ही करनी है, आपको मेडिकल ही करना है। बच्चा डिसाइड कर सके कि उसको इंजीनियरिंग करनी है, उसको मेडिकल करना है या उसको कॉमर्स करना है। और जैसे ही हमारा बच्चा क्लास 11th में आता है हम फुल फ्लेजेड उसकी तैयारी करवाते हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर बच्चा इंजीनियरिंग और मेडिकल जाना चाहता है तो जैसा कि मोमेंटम कोचिंग में हम उसको स्टडी मटेरियल और पैकेज वगैरह देकर तैयारी कराते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही वर्टेक्स ग्लोबल स्कूल में तैयारी कराते हैं। जब दफ्तर में बैठा था इनसाइड भारत टीवी के, तो ऑफिस के लड़कों ने एक रिसर्च किया। हालांकि अभी चुनाव का समय चल रहा है और हम लोग पूरे पूर्वांचल को लगभग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ज्यादातर जगहों पे। तो जब मैं ऑफिस में बैठा था, लड़कों ने कहा कि सर एक वर्ल्ड क्लास स्कूल अपने गोरखपुर में भी है, उसको कवर करना चाहिए। इसके बाद से फिर मैं आपसे मिला। सर, गार्जियन ये जानना, पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि रिजल्ट किस तरह का हो, मतलब कि अभी तक 2015 में अगर स्कूल की बात करूं तो 2015 से लेके अब तक का रिजल्ट को किस तरह से देखते हैं आप? सर देखिए, 2015 में जब हमने वर्टेक्स की शुरुआत की यहाँ पर, तो शुरुआती दौर में तो क्लास 8 तक ही हमारा स्कूल रन कर रहा था, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही आप स्कूल को अपग्रेड करते हैं। 2016 में जाकर हमें क्लास 9 और 10 का अफिलिएशन मिला CBSE बोर्ड से, और 2018 में हम अफिलिएट हुए फॉर क्लास 11 एंड 12। तो पिछले साल में मीन्स 2000 अगर मैं 20 की बात करूं तो हमारा क्लास 12 का पहला बैच था जो 2020 में जिसने बोर्ड का एग्जाम दिया। और मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि उन बच्चों को हमने बोर्ड और ITJEE और मेडिकल और इन सबके लिए तैयारी कराई साथ में। शायद इसी का कारण है कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो रिजल्ट आपको यहां पर दिखेगा कि बच्चों ने सिर्फ, आप देखिए, बच्चे ने सिर्फ बोर्ड में ही 93-94% ही स्कोर नहीं किया है सर, उसके साथ साथ उसका JEE मेन में सिलेक्शन हुआ है। MMU2 जो आपकी मदन मोहन मालवी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है उसमें बच्चों ने अच्छी रैंक पाई है, और आज हमारे कई बच्चे उस पहले बैच से बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। तो ये हमारी सफलता का जो राज है ना सर, वो हमारा जो अनुभव रहा है मोमेंटम में बच्चों को गाइड करने का, वही है जो उनको आगे बढ़ाएगा। सर, एक दौर रहा होगा जब आपने मोमेंटम गोरखपुर में आए होंगे, और आपने अभी बताया कि हम चाहते थे कि पूर्वांचल में भी किस तरह की कोचिंग होनी चाहिए, और नो डाउट आज के डेट में अगर देखा जाए तो नंबर 1 इन ईस्टर्न UP जो आपका स्लोगन भी है, दिखता है उसके आसपास वो सारी चीजें दिखती हैं। जब शुरुआत किए थे और आज 2021, लगा था कि हाँ सपने पूरे होंगे? सर देखिए, बात सिर्फ हमारे सपनों की नहीं थी, पूर्वांचल की इस मिट्टी से जुड़े बच्चों की और पेरेंट्स के सपनों की ज़्यादा थी मेरे लिए। मोमेंटम को मैं 2004 से रन कर रहा था, डेफिनेटली हमें बहुत सक्सेस मिली, बहुत हमें सपोर्ट मिला यहाँ के पेरेंट्स का, यहाँ के बच्चों का। शायद यही कारण है कि आज हमारे मोमेंटम के बच्चे तो देश और विदेश में अपना नाम कमा रहे हैं। मेरा मेरा वही सपना था कि स्कूल जब हम शुरू करें तो ये सिर्फ एक स्कूल ना होकर उनके लिए एक कंप्लीट सोल्यूशन हो। मतलब बच्चों को कई बार क्या होता है कि आप जब स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो स्कूल के साथ साथ आपको कोचिंग क्लासेस या ट्यूशन क्लासेस भी जानी पड़ती हैं अलग से, मैथमेटिक्स या साइंस या इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स के लिए। मैं आपको ये एश्योर करता हूँ कि इस स्कूल में हम स्पेशली इन सारे सब्जेक्ट्स का इतना केयर करते हैं और बच्चों से कहते हैं और बापों से कि आपको कहीं भी ट्यूशन क्लासेस जाने की जरूरत नहीं है। इवन इवन हमारे स्कूल में डाउट सेशन का अरेंजमेंट होता है कि बच्चे को अगर कुछ समझ नहीं आता है, कहीं कुछ समस्या है, तो वो अलग से टीचर से मिलकर डाउट्स क्लियर कर सकता है। एक और खास बात जो मैं बताना चाहूंगा जो बहुत जरूरी होता है इस उम्र के बच्चों के लिए, कि उनको मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड जो कि उनका IQ बढ़ाता है बच्चों का,
का भी हमें क्लास चलाना चाहिए, और ये जरूरी होता है क्योंकि अर्ली एज में बच्चों का जो मेंटल स्टेटस बढ़ने का जो रेट है वो काफी अच्छा होता है, ग्रेस्पिंग पावर अच्छी होती है बच्चों की। सो यही कारण है कि हम सिर्फ जो है मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश या आपके जो और भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ साथ बच्चों को मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड भी असाइनमेंट्स देते हैं, उससे रिलेटेड भी क्लासेस चलाते हैं। इवन रोबोटिक्स का जो क्लासेस हैं वो हम यहाँ पर रन करते हैं, और छोटे बच्चों का आईक्यू बढ़ाने के लिए हम अबेकस की क्लासेस भी चलाते हैं। अबेकस क्लासेस में भी कई लोग जानते हो, कई लोग पहली बार नाम सुन रहे हो, लेकिन अबेकस एक अर्ली एज में बच्चों के आईक्यू लेवल को बढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। तो उसके लिए हमने स्पेशली टीचर्स अपॉइंट कर रखे हैं जो बच्चों को अबेकस और रोबोटिक्स की क्लासेस देते हैं, जो देते रहे हैं। ऑब्वियसली कोरोना के समय में थोड़ा सा नो डाउट बच्चों की पढ़ाई सफर की है, लेकिन हमने पूरा प्रयास किया है कि उसको जितना अच्छी तरह से बच्चों को स्टैंडर्डाइज्ड वे में दिया जा सके वो दिया जा रहा है। मेरा अगला सवाल भी इसी से था कि कोरोना टाइम और ये काफी दिक्कत किया, लगभग हर फील्ड के लोगों को दिक्कत किया। जी जी, कितना मुश्किल रहा ये कोरोना पीरियड में सब कुछ हैंडल करना, कैसे हैंडल किया गया? सर देखिए, ये तो एक ग्लोबल पैंडेमिक था जिसका कि किसी ने भी अनुमान नहीं लगाया था। पिछले साल मार्च में जिस तरह से चीजें शुरू हुई और हमको लगा कि शुरुआत में लाइक कि ये हफ्ते भर में, 10 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में चीजें मैनेज हो जाएंगी, लेकिन जब ये लगा कि चीजें इस तरह से अभी इतनी जल्दी सही होने वाली नहीं है। और देखिए, मेरा ये मानना है कि शिक्षा एक ऐसी चीज है या एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो सभी चीजों का सोल्यूशन निकाल सकती है, तो इसलिए शिक्षा नहीं रुकनी चाहिए। कोरोना अपनी जगह है, उसका हमने पूरा प्रिकॉशन लिया, सरकार ने जो हमें गाइडलाइंस दी उसका पूरा हमने फॉलो किया, सरकार के हमेशा हम साथ में चले। बच्चों को स्कूल में आने के बजाय बोला गया कि आप घर पर रहें, लेकिन इन द मीन टाइम जो हमने किया, जो मुझे लगता है कि बहुत ही कम लोगों ने इस तरह से प्रयास किया होगा, हमने तुरंत अपना, हमारा देखिए स्कूल जो वर्टेक्स ग्लोबल स्कूल है वो टेक्नोलॉजिकली हमेशा बहुत आगे रहा है। मैंने हमेशा प्रयास किया है कि अगर किसी भी तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल स्कूल की बेहतरी के लिए हो सके तो वो किया जाए। शुरुआत से ही 2015 में जब शुरू हुआ था वर्टेक्स ग्लोबल स्कूल, तो हमारा अपना एक मोबाइल ऐप था जिससे हम बच्चों को हमेशा होमवर्क और असाइनमेंट्स ऑनलाइन भेजा करते थे, तो हमें उसमें बहुत कुछ खास अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसी मोबाइल ऐप का हमें फायदा मिला जब कोरोना का समय आया, बच्चों के लाइव क्लासेस हमें इमीडिएटली शुरू कराई। इवन बच्चों की जब क्लासेस होती थी तो क्लासेस उनकी साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड भी होती थी। इससे ये फायदा था कि बच्चे को अगर कोई क्लास छूट गया, मिस हो गया, तो लेटर ऑन वो उसको रिकॉर्डेड वीडियो भी वहां पर अवेलेबल है जो देख सकता है। होम असाइनमेंट्स हम वीडियो क्लासेस के साथ साथ शेयर करते थे मोबाइल ऐप से, और इवन जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं स्कूल में, चाहे वो आपके पीरियोडिक टेस्ट्स हो, क्वार्टर टेस्ट हो, हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम हो, सारा हमने ऑनलाइन मोड में कराया। रीजन ये था सर कि कोरोना से पहले भी हम लोग ऑनलाइन टेस्ट, जो हमारा जेई मेन एग्जाम के लिए होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBTs जिसको हम लोग कहते हैं, वो हम ऑलरेडी करा रहे थे, तो हमारे लिए कुछ नया नहीं था। और शायद यही कारण है कि टेक्नोलॉजी का यूज करने के कारण कहीं से भी हमारे बच्चे सफर नहीं किए। इस साल भी अभी देखे स्कूल, अभी तो खैर बंद चल रहा है, लेकिन जैसे ही स्कूल खुलता है पूरी तैयारी के साथ कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए स्कूल शुरू किया जाएगा। और इन केस अगर ऑनलाइन क्लासेस फिर से हमें चलानी पड़ी तो हम लोग पिछले साल से ज्यादा अच्छी तरह से तैयार हैं इस बार, तो कहीं से भी बच्चे सफर नहीं करेंगे, क्योंकि लगभग लगभग चीजें उसके आसपास दिख रही हैं कि मे बी हो सकता है वो सिचुएशन फिर से आ सकता है। जी जी सर, थोड़ा सा हम स्कूल पे फिर से आते हैं कि अगर मैं वर्टेक्स ग्लोबल स्कूल की बात करूं तो ये तो हो गई पढ़ाई की बात, इसके साथ साथ स्पोर्ट्स में या फिर जो लाइब्रेरीज हैं और जो अलग से जो एक्टिविटी है, किस तरह से, मतलब कि यहाँ पे किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? देखिए, एक स्कूल जो है वो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए होता है। मतलब बच्चों को स्कूल में, बच्चों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, बच्चों की एजुकेशन हो गई, उनकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजें हो गई, और बहुत सारी और चीजें हैं जो बच्चे स्कूल में सीखते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, उनकी पढ़ाई के साथ साथ जो यहाँ पर फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, आप उसमें लाइब्रेरी की बात कर लीजिए। हाँ, हमारे पास बहुत बड़ा आप कह सकते हैं लाइब्रेरी है जिसमें कि 5,000 बुक्स अवेलेबल हैं, बच्चों को वहाँ से बुक्स इश्यू भी की जाती हैं। लाइब्रेरी के साथ हमारी लैब्स हो गई, चाहे वो फिजिक्स लैब हो, केमिस्ट्री लैब हो और बायो लैब हो, पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल हैं, ऑपरेशन में हैं, और सारे जो मटेरियल उसमें रिक्वायर्ड होते हैं वो सभी। देखिए, मैं एक साइंस स्टूडेंट रहा हूँ
और मैंने आईआईटी बीएचयू से इंजीनियरिंग कर रखी है, तो इन सारी चीजों का महत्व मैं भली भांति समझता हूँ सर, कि चाहे वो लैब हो या लाइब्रेरी हो या इवन स्पोर्ट्स की मैं बात कर लूँ, स्पोर्ट्स में हमारे पास बिग प्ले ग्राउंड्स हैं, बास्केटबॉल कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है, छोटे बच्चों के लिए स्लाइडर्स हैं या जितने भी और अरेंजमेंट हो सकते हैं जो बच्चों को इंगेज रखें, उनको मेंटली फिट रखें। क्योंकि क्या होता है कि पढ़ाई के साथ साथ ना बच्चों का मेंटली फिट रहना, फिजिकली फिट रहना, ये भी बहुत आवश्यक होता है। तो समय समय पर हम स्पोर्ट्स मीट वगैरह हो गया, एनुअल स्पोर्ट्स फेस्टिवल हो गए, इवन कल्चरल प्रोग्राम भी हमारे यहाँ बहुत ही बिग स्केल पर होता है। पिछली बार हमने 2019 2020 में ही हमने कल्चरल फेस्टिवल किया जो वन ऑफ द बेस्ट होगा मुझे लगता है इस एरिया में। तो ये सारी चीजें हम लोग बच्चों को साथ में करा रहे होते हैं ताकि उनका एक सर्वांगीण विकास हो सके। कई तरह के और उनके इंटर हाउस हम कंपटीशन भी कराते हैं, जैसे हाउस सिस्टम है आपके यहाँ पर, चार हाउस सिस्टम है, रेड हाउस, ब्लू हाउस, येलो हाउस और ग्रीन हाउस। तो इंटर हाउस कंपटीशन भी आपस में समय समय पर होता रहता है ताकि वो कम्पिटिटिवनेस आपस में फील कर सकें। सो ये सारे अरेंजमेंट जो एक अच्छे स्कूल में हो सकते हैं वो सारे मौजूद हैं यहाँ पे। सर ये तो हो गई स्कूल की बात, और जो बच्चे हैं, चूंकि टीचर्स को बच्चे बहुत फॉलो करते हैं, मैं भी जब पढ़ता था तो मैं अपने टीचर्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करता था, या फिर एक अंदर से जानने की लालसा होती थी कि अच्छा इस जगह पे सर क्या करते होंगे, यहाँ पे सर क्या करते होंगे। सर आपके बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो जानना चाहते हैं कि आप फ्री टाइम में, जैसे कि काम करते हैं, काम करने के अलावा जब फ्री होते होंगे तो उस टाइम पे क्या करते हैं आप? मैं एक छोटी सी लाइन पहले इसमें इसका जवाब देने से पहले जोड़ना चाहूंगा कि वर्टेक्स ग्लोबल स्कूल और या इवन आप मोमेंटम की बात कर लें जो बेतिहता चौक पे है, एक चीज का जो और हम बहुत केयर करते रहे हैं और कर रहे हैं वो ये है कि चूंकि मैं खुद भी एक टीचर हूं और अभी भी लगातार बच्चों को गाइड कर रहा हूं इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम के लिए, क्वालिटी से हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। मतलब वर्टेक्स ग्लोबल स्कूल में जितने भी हमारे शिक्षक हैं, टीचर हैं, सर क्वालिटी से हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। उनका एक अपना जो है स्तर है, एक लेवल है, दे आर हाईली पेड और सभी बहुत अच्छा स्कूल के साथ जो है टीम बनाकर वर्क करते हैं। तो मैं एक बात ज़रूर यहाँ बोलना चाहूँगा कि एजुकेशन अच्छा देने के लिए बच्चों को ये ज़रूरी है कि जो एजुकेशन देने वाले हैं, मीन जो शिक्षक हैं, उनके साथ कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। रही बात आपके क्वेश्चन की कि फ्री टाइम में मैं क्या करता हूं, तो इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि एक चीज जो मैं यूजुअली मतलब बच्चों के साथ जो इंटरेक्ट करना, ये मेरा चाहे पैशन कह लीजिए चाहे हॉबी कह लीजिए, कि बच्चों से बात करना, उनको मोटिवेट करना। मतलब अगर मेरे पास कोई भी बच्चा आता है और उसको लगता है कि वो कहीं पर लैग कर रहा है या उसका नंबर अच्छा नहीं आ रहा है, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो ये मेरा एक कह लीजिए कि पैशन है उनको गाइड करना, उनको मोटिवेट करना। मतलब क्लासरूम में तो मैं पढ़ा ही रहा हूं बट उसके साथ साथ बच्चों को अलग से मोटिवेट करना, ये बहुत जरूरी होता है बच्चों के लिए। तो एक तो ये है ही जो मैं हमेशा करना चाहता हूं और कर रहा हूं। और रही बात फ्री टाइम की, तो हाँ कोशिश करता हूं कि थोड़ा सा फ्री टाइम मिल सके, और कुछ चीजें जो मुझे उसमें पसंद हैं उनमें से एक मेरा लाइक हॉबी है नॉवल रीडिंग करना। मतलब मुझे जब समय मिलता है तो उसमें अलग अलग तरह की बुक्स में पढ़ना पसंद करता हूँ, उससे बहुत सारी और नॉलेज हमें गेन होती है। या समटाइम्स घर में अगर समय मिला तो बच्चों के साथ एंजॉय करना, प्ले करना। इवन इस पॉइंट पर मैं पेरेंट्स को बोलना भी चाहूँगा कि हम कितना भी बिजी हैं, बीइंग पेरेंट्स नो डाउट डेफिनेटली हम सभी बिजी हैं, हम लोग कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो सब लोग कहीं ना कहीं बिजी हैं, लेकिन हमारे बच्चों के लिए हमें थोड़ा सा समय निकालना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने बच्चों के साथ फ्री टाइम में थोड़ा सा निकाल के उनके साथ फ्री टाइम में बैठना और फ्रीली बात करना, उनके साथ अगर समय मिले तो थोड़ा सा प्ले कर लेना, ये बच्चों को ना मेंटली बहुत रिफ्रेश करता है, रिजुविनेट करता है। तो ये भी एक मेरा पार्ट ऑफ कह सकते हैं रूटीन रहता है जी। साइलेंस सर एक सवाल आपसे है, स्कूल से ही रिलेटेड है। अब चूंकि एग्जाम्स का टाइम है, अभी इलेक्शन है, इलेक्शन के तुरंत बाद एग्जाम होंगे, बच्चों को कुछ संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से तैयारी करें? और कई कई बार सर ऐसा होता है कि एग्जाम साल भर तो ठीक है जिस हिसाब से पढ़ाई हुई हुई, कई बच्चे एवरेज होते हैं, कुछ लोगों को पढ़ना पसंद होता है, कुछ लोगों को कम होता है, लेकिन जब एग्जाम टाइम आता है तो नो डाउट एग्जाम का प्रेशर होता है, तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए और किस तरह से तैयार अभी किस तरह से तैयारी की जाए?
सर मैं बच्चों से यही कहना चाहूंगा कि जैसे कि कोरोना गाइडलाइंस के तहत हमारे एग्जाम्स की जो डेट्स रही वो बढ़ गई और मई में चले गए, तो हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि मैक्सिमम स्कूलों में हमारा सिलेबस खत्म हो चुका है, हम स्कूलों ने छुट्टियां कर दें कि बच्चे जाके घर पे प्रिपरेशन करें। एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हमारे पास जब ज्यादा समय होता है तो वहां पे हमें लगता है कि हम कर लेंगे, लेकिन उस समय में क्या होता है कि वो पीरियड हम किल कर देते हैं। तो हमें सबसे बस यही बात बोलना है कि आप उस समय को किल ना करें, और जब साल भर की जो पढ़ाई होती है आप उसकी स्टडी करते हैं तो आप उन लास्ट टाइम में जो आप ज्यादा अच्छा कवर कर पाते हैं उसमें कहीं आप लैक ना कर जाए, जिससे कि आपके रिजल्ट्स पे कोई ना कोई फर्क पड़े। दूसरी बात यह है कि आप स्कूल के टच में रहें, अपने टीचर्स के टच में रहें, जिससे कि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप स्कूल पर जाकर डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर आप वर्टेक्स ग्लोबल स्कूल की बात करूं तो हम लोग यहां पर रिवीजन क्लासेस अभी भी चला रहे हैं, और सारे बच्चों को फिटनेस है कि अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करके वो डाउट्स क्लासेस में आ सकते हैं। हमने सब्जेक्ट वाइज डाउट क्लासेस बना के रखे हैं, उसमें हमने कोऑर्डिनेटर्स बना के रखे हैं कि अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स है तो अपने कोऑर्डिनेटर से बात करें, उनसे समय लें और आप आके बात कर सकते हैं। यहां तक हम लोगों ने प्लान किया है कि अगर किसी बच्चे या किसी ग्रुप को लगता है कि किसी चैप्टर को हमें रिवाइज्ड करना है तो हम उसके लिए प्रॉपर क्लास अरेंज करते हैं, बच्चों को बच्चे आते हैं, क्लासेस करते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करते हैं। बस मेरा बस एक ही कहना है सारे लोगों से कि जो जहां भी पढ़ रहे हैं, जो हमारे बच्चे हैं, निश्चित तौर पे ही हमारा एक उम्मीद है कि बेहतर रिजल्ट्स हमारे आएंगे इस बार, और हम लोग प्रयासरत भी हैं। उसके तहत अगर किसी बच्चे को कभी भी कोई दिक्कत है तो हम लोग ग्रुप्स बना के रखें व्हाट्सएप पे, आप उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इवन आपको मैं ये बोल दूं कि वर्टेक्स ग्लोबल स्कूल आपको 24/7 सर्विसेज दे रहा है। अगर आप किसी टीचर्स को रात में 12 बजे भी मैसेज डालते हैं तो हमारा टीचर आपको सॉल्व करके उस पर आंसर बताता है। अब ये तो आपकी भाई प्राथमिकता है कि आप अपने डिस्कशन करें और अपने डाउट्स को क्लियर करें, क्योंकि हमने सर्विसेज तो दे दी, अब आपको क्या डाउट्स हैं ये तो हमें नहीं पता। आपको फ्रंट में आना है, हाँ फ्रंट में आप आएंगे, हम आपके साथ हैं, और हम लोग जिस तरीके से प्रयास कर रहे हैं तो हम लोगों को ये निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि हमारे इस साल बहुत बेहतर रिजल्ट्स आने वाले हैं। सर एक और सवाल, चूंकि न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है, मतलब कि लगभग स्टार्ट हो गया है, तो जो हमारे पेरेंट्स हैं उनसे कुछ कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? अरविंद जी बताएंगे सर। देखिए विकास जी, लास्ट ईयर कोरोना ग्लोबल पेंडेमिक था, सदियों में एक बार कभी आया ये हमारे सामने, हम लोग तैयार नहीं थे, हमें से कोई तैयार नहीं था कि इसको कैसे फेस करना है। और सर हम लोग ये भी कह सकते हैं जैसे कि एक एज जब हो जाएगी कि हमारे टाइम में एक बार ऐसा हुआ था। बिल्कुल, देखिए ये ऐतिहासिक चीज हो गई हमारे लिए। आज जो बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, यही बच्चे आज के 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल के बाद जब थोड़ा और एज इनका बढ़ जाएगा तो इसको ना याद रखेंगे आने वाली पीढ़ी। यस बिल्कुल, कि कभी ऐसा हुआ था और हमने उसको पूरी क्षमता के साथ फेस भी किया था। मैं इवन इसमें सरकार को भी बधाई देना चाहूंगा कि जिस तरह से उन्होंने पूरा मैनेजमेंट किया है सर, ये एक बहुत बड़ी और काबिले तारीफ चीज है, और ऑब्वियसली जनता ने भी पूरा साथ दिया है। इसमें मैं एक चीज ये बस जोड़ना चाहता हूं कि पैंडेमिक के दौरान कई सारे पेरेंट्स, कई सारे बच्चे नहीं स्कूल ज्वाइन कर पाए, किसी वजह से नहीं जुड़ पाए। बहुत सारे पेरेंट्स और अभिभावकों को ऑब्वियसली परेशानी भी हुई, सबको नुकसान उठाना पड़ा उसका, मैं समझ सकता हूं चीजों को। लेकिन मेरा बस ये कहना है कि बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, किसी भी छात्र की, किसी भी बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए इस पैंडेमिक के कारण। तो अभिभावकों से मेरा यही कहना है कि किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है और आपको लगता है कि आप स्कूल से इस पर आप बात करना चाहते हैं, इन समस्या को आप शेयर करना चाहते हैं, आप शेयर करें, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल से जरूर अटैच्ड रखें। अगर लाइव क्लासेस चल रही हैं तो लाइव क्लासेस कराएं, ऑफलाइन क्लासेस जब भी शुरू होंगी तो ऑफलाइन क्लासेस भेजें, लेकिन किसी भी प्रकार से बच्चों की पढ़ाई को ना रोका जाए। और वर्टेक्स ग्लोबल स्कूल इस पैंडेमिक में पूरी तरह से अभिभावकों के साथ है। सर जाते जाते, अब चूंकि मैं भी साइंस का छात्र रहा हूं और साइंस के छात्रों का दर्द समझता हूं, तो एक सवाल सर जेई मेंस और एडवांस को लेके, किस तरह से लड़के अपनी तैयारी को करें? चूंकि आप केमिस्ट्री एचओडी हैं मोमेंटम में, मोमेंटम बेतिहता चौक, तो ये दोनों एग्जाम्स चूंकि बहुत ही प्रेशर वाले एग्जाम माने जाते हैं, तो किस तरह से हैंडल किया जाए?
देखिए, अगर मैं मोमेंटम की बात करूं तो हम वहां पर बच्चों को इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए तैयार कर रहे होते हैं, और अगर मैं वर्टेस ग्लोबल स्कूल की बात करूं तो सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल ही नहीं, हम कॉमर्स स्टूडेंट्स को भी यहां तैयार कर रहे होते हैं, क्योंकि यहां पर कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी हमने खास व्यवस्थाएं कर रखी हैं कि आने वाले कम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेकर कैसे तैयारी की जाए, किस तरह से फेस किया जाए। रही बात जहां तक इन कम्पिटेटिव एग्जाम्स को मैनेज करने के, तो मैं कहना चाहूंगा कि इसके लिए ना बच्चों का एक माइंडसेट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट, या इसको जो आप कह लीजिए कि बच्चों का जो एक सोचने का नजरिया होता है, जो तरीका होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चों से मेरा बस यही कहना है कि आप कोई भी चीज को ऐसा मत समझिए कि असंभव और आप कर नहीं पाएंगे। आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, आप किसी भी स्कूल से पढ़े हुए हैं, आप किसी मीडियम से हैं, आप हिंदी मीडियम से हैं, आप इंग्लिश मीडियम से हैं, मुझे लगता है कि आपको आगे बढ़ने से कोई चीज नहीं रोक सकती अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं। अगर आप मेहनत करेंगे, आपके टीचर्स के साथ आप मेहनत करने को तैयार हैं, और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी और प्लान के साथ। देखिए, इसमें एक चीज मैंने जो जोड़ी है, प्लान और स्ट्रेटजी, यहीं पर हमारा टीचर्स का रोल आता है, स्कूल का रोल आता है। कि देखिए, पढ़ाने को तो सब्जेक्ट का कंटेंट जो है वो कोई भी आपको दे सकता है, लेकिन कितना देना है, कैसे देना है, उसको किस तरह से रिवाइज करना है, उसको किस तरह से उसके क्वेश्चंस टैकल करने हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेटजी और प्लानिंग और आपका टाइम मैनेजमेंट। तो उसमें तो मैं देखिए, बड़ी बात नहीं होगी अगर मैं कहूंगा कि इतने पिछले 17 सालों से हमने जो रिजल्ट्स दिए हैं उसको देखते हुए, कि उसमें तो हम पूरी तरह से अनुभव हमें है, पूरी तरह से हम एक्सपीरियंस्ड हैं। और अगर आप आते हैं यहाँ और ये उम्मीद के साथ कि आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो आई कैन एश्योर यू कि अगर आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, तो मैं सारे अभिभावकों और पेरेंट्स को और छात्रों को बोलना चाहूंगा कि सफलता बिल्कुल आपके सामने है, बस जरूरत इस बात की है कि मेहनत करिए और उसको आगे बढ़ के, मैं तो कहूंगा कि सफलता को छीनने की कोशिश करिए। कोई कारण नहीं बनता है कि आपको सफलता नहीं मिलेगी अगर आप ईमानदारी के साथ प्रयास करते हैं। देखिए, इसमें ये चीज जोड़ना बड़ा जरूरी है कि कई बार बच्चे जो है कोई पर्टिकुलर कोर्स ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन पूरी इच्छा के साथ, पूरे मन के साथ वो उसमें नहीं जाते हैं, तो यहीं पर ना प्रॉब्लम शुरू होनी शुरू हो जाती है। आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं सब्जेक्ट से, आपका मन नहीं लगता है, आपके मार्क्स नहीं आते हैं, और आप धीरे 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 डिटेरियोरेट हो जाते हैं। तो बेहतर होगा कि पूरे मन के साथ, मोटिवेशन के साथ आप आगे बढ़िए, सफलता डेफिनेटली आपको मिलेगी। और पेरेंट्स को भी बोलूंगा कि हमेशा बच्चों के साथ पॉजिटिव बात करिए, बच्चों को पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रखिए, पॉजिटिव वाइब्स होनी चाहिए उनके आसपास। कभी भी बच्चों से नेगेटिव बात ना करें, कभी भी एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर ना करें। आप ये ना कहें कि वो बच्चा ये कर रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं। हमेशा उसको मोटिवेट करिए। हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, हर बच्चे की अलग क्वालिटी है, तो उसको हम लोग जो है ग्रूम अप करने की कोशिश करें, एक दूसरे से कंपेयर करके डीमोटिवेट बिल्कुल भी ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों लोगों का बातचीत करने के लिए। तो आप थे मिस्टर शैलेंद्र त्रिपाठी जी और मिस्टर अरविंद त्रिपाठी जी। बाकी बोर्ड एग्जाम्स हैं, और चूंकि पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बातें हो रही हैं, तो मैं भी बस यही कहूँगा कि सामने मुकाम है, उलझने तमाम है, पर जिद में अब ये जान है, संघर्ष अविराम है। माइक लिए कैमरे के सामने वाला व्यक्ति विकास गोस्वामी, और उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं अश्वनी वर्मा, अनुप गोस्वामी और हिमांशु, और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं।